आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप ये फार्मिडॉल कैसे ले सकते हैं साथ में जानेंगे कि आप किसी सिक्वाइन को ट्रोलिंग प्रो में स्वैप कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लेस प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रोलिंग प्रो में तो यहाँ पे सबसे पहले पी सी क्वाइन को ऐड करना पड़ेगा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो आपको सबसे ऊपर जाना है ए प्लस का जो गोल जो आइकन बना हुआ है दाएं साइड में तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे आपको टाइप करना है पी तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टाइप करते सबसे ऊपर में ही जो इसका जो मेन लोगो है कॉइन का वो यहाँ पे शो कर जाता है उससे मिलता जुलता नाम से और भी कॉइन नीचे आ रहा है उसे आपको ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स तो आपको ऊपर वाला ही कॉन आप लोगों को चेक कर लीजिए ठीक है ऐसा ही सेम लोग है पीगी फार्म में ठीक है तो यही ओरिजिनल है तो आपको इसी को ऐड करना है नीचे वाला आपको नहीं करना है तो इसके दाएं साइड में आपको प्लस का बटन मिलेगा मेरा ऑलरेडी ऐड है इसके लिए यहाँ पे बटन प्लस का बटन नहीं शो कर रहा है तो तो यहाँ से आप दबाकर इसे ऐड कर लेंगे मैं वापस होम पेज पे आ जाता हूँ तो इस तरह से आपका भी ऐड हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है आपको जाना है पी फार्म के वेबसाइट पे। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ तो मैंने आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लिया है तो आपको जाना है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जा कर के आपको इसका जो एड्रेस है पी सी सी के कॉइन का रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा तो आपको जाना है सबसे ऊपर दाएं साइड जो गोल गोल आइकन जो बना है उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा पेज खुल के आ जाएगा तो आपको जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है तो आपको जाना है नीचे जो बिडोल एड्रेस जो दिख रहा है उसके नीचे एक बॉक्स बना है तो वहाँ पे आपको उसका रिसीविंग एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं उसको मैं बता देता हूँ तो मैं वापस ले कर चलता हूँ ट्रोलिंग प्रो में तो यहाँ से आपको पी सी सी कॉन जो ये दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे जो दो ऑप्शन दिख रहा है एक सेंड का एक रिसीव का तो आपको रिसीव वाले ऑप्शन पे जाना है तो ये ये जो क्यूआर कोड आ गया उसके नीचे एक नाम आ रहा है उसके नीचे एड्रेस है उसके दाएं साइड में कॉपी का बटन है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे उसके बाद मैं वापस होम पेज पे आ जाता हूँ तो इसके बाद मैं चलता हूँ पी की के वेबसाइट पे तो यहाँ से आपको जो बिडॉल एड्रेस जो दिख रहा है जो नीचे उसके बॉक्स है उसमें आपको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद नीचे जो बटन दिख रहा है पिंक वाला अपडेट प्रोफाइल का उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका अपडेट हो जाएगा तो वापस मैं पी की फार्म के होम पेज पर आ जाता हूँ तो अब क्या करना है आप आपको विड्रॉल लगाना है तो विडो लगाने के लिए आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है तो आपको यहाँ पे जो मेरा अवेलेबल अमाउंट जो शो कर रहा है सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स डॉलर आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आप ट्वेंटी डॉलर ही विड्रॉ कर सकते हैं उससे कम नहीं कर सकते हैं यदि आपका ट्वेंटी डॉलर हो हो चुका है तो आप यहाँ पे विड्रो ले सकते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर विड्रॉल अमाउंट में आपका ट्वेंटी डॉलर डाल देना है या जितना आपका है बीस से अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप वो अमाउंट भर देना है उसके बाद नीचे जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको उंगली से टच करनी है टच करते ही जितने का आपका डॉलर उतने का आपका पी सी सू कॉइन यहाँ पर शो कर जाएगा उसके बाद आपको क्या कर नीचे जो एक बटन पिंक वाला दिख रहा है विड्रॉल नाउ वहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको आना है ट्रोलिंग प्रो में तो मैंने पहले ही कर लिया था विड्रॉल तो यहाँ पे मेरा पी सी सी क्वाइन मेरा चार सौ बहत्तर शो कर रहा है उस जिसकी वैल्यू आज के डेट में छियासी डॉलर अप्रोक्स है ठीक है तो आप इसको क्या करना है अब इसको अगर शॉप करने के लिए आपको जाना है सबसे ऊपर जो नीले कलर का जो बटन दिख रहा है उस स्वैप लिखा हुआ वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको बाएं साइड में सम स्वैप का एक लोगो दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा तो इसे कट कर दिया तो ये जो आपको टी आर एस जो शो कर रहा है इसके जगह पे आपको पी सी सी आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद यदि आपका यहाँ पे पी सी सी कॉइन शो नहीं कर रहा है तो आपको करना है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट जो पी सी सी का है वो मैं वहाँ पर ए, डाल दूंगा आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो ऊपर सर्च बार जो है दिख रहा है ऊपर में वहाँ पे आपको पेस्ट करेंगे तो शो कर जाएगा आप उसे ऐड ऐड कर लेना तो मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ तो तो ये इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसे मैं कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद मैं वापस मैं ट्रोलिंग प्रो में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको सर्च बार में पेस्ट कर देता हूँ देखिए यहाँ पे शो कर गया है अब आपको इसे ऐड कर लेना है तो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे ठीक है वापस तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ टी पे तो देखिए यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है पी पे देखिए यहाँ पे आ गया उसके बाद आपको क्या करना है नीचे जो आपको उसी उसी लाइन के नीचे आप देख रहे हैं बैलेंस लिखा हुआ बैलेंस के नीचे सेलेक्ट है टोकन तो टोकन में आपको यहाँ पे यू एस में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं टी ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं टी ले लिया अब आपको क्या करना है आपको जितना पी सी आपको स्वैप करना है वहाँ पे उतना अमाउंट यहाँ पे फ्रॉम के नीचे आपको डाल देना है तो मैं पूरा इसका ए, स्वैप कर लेता हूं तो यहां पे आपको मैक्स का बटन जो दिख रहा है वो मैक्स आप दबा देंगे तो पूरा आपका स्वैप हो जाएगा तो यहां से मैंने मैक्स का बटन दबा दिया सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपका ट्रोलिंग प्रो ना आपको ट्रोन होना बहुत ज़रूरी तो दस से बीस ट्रोन आप उसमें रखें तभी आपका स्वैप होगा क्योंकि इसका जो फीस है वो लगता है तो कम से कम दस टोन रखे हूँ उसमें तो उसके बाद ही स्वैप होगा तो यहाँ पे मैंने मैक्स का बटन दबा दिया है मुझे पूरा का पूरा स्वैप करना है तो उसके बाद आपको क्या करना है नीचे एक स्वैप का बटन आ जाता है नीले कलर में तो आपको इसे दबा देना है ठीक है तो मैं दबा देता हूँ इसको और कन्फर्म स्वेप कर देता हूँ नीचे जो बटन दिख रहा है कन्फर्म स्वेप का उसे मैं दबा देता हूँ ठीक से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ कंटिन्यू करने के बाद ये एक कंफर्म का बटन आ रहा है तो इसे आपको दबा देना है दबाने के बाद यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसे कंफर्म कर देंगे आपका आप स्वाइप हो जाएगा तो इस तरह से स्वाइप कर सकते हैं तो बस आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ए, आप सभी का धन्यवाद जो हमारे वीडियो देखने के लिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू